तो अभी सामान्य निरीक्षण है, स्टेशन पे सुविधाएं देख रहे हैं और इसका फुट ओवर ब्रिज का जो काम रेलवे का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है और उधर अंडरपास का काम भी जो रेलवे का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। जी तो सर सभी जगह दौरा है सर आपका, हरियाणा की और भी अन्य रेलवे, अम्बाला तक का है जी। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कोविड को लेकर, यात्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यात्रियों को ये बोलेंगे जो दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, जो सब जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका सावधानी बरतें, और रेलवे भी जो अपने यात्रियों को स्टेशन और इसमें जो एंटर करते हैं उसमें यही संदेश सब जगह प्रसारित कर रही है। सर अभी चार गाड़ियां अप डाउन आ रही हैं, सर गाड़ियां कब तक बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि यात्रा को लेकर जो है वैष्णो देवी की बात करें या फिर और अन्य जगह की बात करें तो वो यात्रियों के लिए कब वो सुविधा मिल पाएगी? जैसे ही रिक्वायरमेंट आ जाएगी रेलवे ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। फिर भी सर कब तक उम्मीद कब तक करें सर? अभी जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जैसे डिमांड आ रही है रेलवे नई नई गाड़ियाँ चला रहा है और जैसे जैसे फ्यूचर में डिमांड आएगी रेलवे ट्रेन चलाएगा पब्लिक के सेवा के लिए। हम लोगों का करनाल स्टेशन पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हमारे नॉर्दर्न रेलवे के GM साहब यहाँ करनाल स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुँचे थे। उनका पहले से प्रोग्राम जो है ना नई दिल्ली से और अम्बाला के लिए था, लेकिन उन्होंने करनाल स्टेशन का भी निरीक्षण किया है। तो हमारी, मैं यूनियन में ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, हमारी एक डिमांड थी वो हमने एजेंडे के थ्रू उनके संज्ञान में लाई है, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर DN1 नई दिल्ली मिस्टर धर्मवीर जी हैं, उनकी तरफ से स्टाफ पे लगातार प्रेशर क्रिएट किया जाता है इंचार्जों पर, उनको चार्जशीटें दी जाती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो वो प्रेशर फिर नीचे स्टाफ तक आता है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक की सेफ्टी, ट्रैक से संबंधित काम होता है और स्टाफ को दिक्कतें आती है मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पे, रिस्क ज़्यादा आ जाता है, तो स्टाफ जो है ना दिक्कत में रहता है और स्टाफ हमें हमारे पास कंप्लेंट आई कि भी इस पर आप कार्रवाई कराइए। तो इसी बारे में हमने GM नॉर्दर्न रेलवे को आज अपना एजेंडा दिया है और हमने उनसे मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। कैसा प्रेशर रहता है अधिकारियों द्वारा? प्रेशर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन स्टाफ को दिए जाते हैं काम कराने के लिए, वो पूरे नहीं हैं। अगर संसाधन पूरे दिए जाए तो स्टाफ आराम से काम कर सकता है। तो इस विषय में GM साहब ने क्या आश्वासन दिया? GM साहब ने बोला है कि हम इस पे दिखवा लेते हैं और जैसा भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। तो कब से दिक्कतें आ रही हैं आपको? ये दिक्कतें सर अभी हमारे सीनियर DN1 अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट हुए, उससे पहले भी बहुत अधिकारी रह के गए हैं, इस तरह की कोई चीज़ें आई नहीं, क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है। इस तरह की दिक्कतें नहीं आती थी हमारे यहाँ, अब वो आए हैं, उन्होंने ये चीज़ अभी 10-15 दिन से कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, तो उसी के बारे में स्टाफ हमारे से मिलता था कि, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मानसिक प्रताड़ना का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, चार सीटें दी जाती हैं, धमकाया जाता है, जिसमें हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है काम करते हुए, तो आप इसको दूर कराएं। इस बारे में ही हम आज GM साहब से मिले थे। कर्मचारियों की जान पर भी? सर ट्रैक पे काम करना एक रिस्क तो होता ही है, लेकिन ड्यूटी है, क्योंकि स्टाफ को उसी काम के लिए, उसी जॉब के लिए भर्ती है, तो काम तो करना है। पब्लिक की सेफ्टी हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पब्लिक को सेफ किया जाए, ट्रैक को सेफ रखा जाए, तो इसीलिए अब स्टाफ वहाँ पे काम करता है ईमानदारी से अपना ट्रैक को सेफ करने के लिए। तो आज कौन कौन पहुँचे यहाँ पर? आज सर डिवीज़न से हमारे DRM साहब पहुँचे थे यहाँ पे, उनके साथ में उनकी पूरी टीम थी, GM साहब पहुँचे, GM साहब के साथ पूरी टीम आई हुई थी, उन्होंने करनाल स्टेशन का निरीक्षण किया और फिर वो आगे के लिए अम्बाला प्रस्थान कर गए।